गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज का बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग भारत को बीटो ना मिलने का कारण और भारत को बीटो मिलने का कारण के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। भारत को बीटो ना मिलने का कारण, पहले इसके बारे में देखते हैं। पहला नंबर कि भारत का यूएनओ में दिए जाने वाला बजट बहुत ही कम है। मतलब वहाँ भारत को जो यूएनओ में पेश किया जाने वाला बजट है वो बहुत कम है। और जो कश्मीर वाला जो मुद्दा है पीओके और भारत पाकिस्तान के बीच जो विवाद है वो भी एक बाधा वीटो मिलने का कारण है, ठीक है। और तीसरा है भारत सीटीबीटी में हस्ताक्षर नहीं किया क्योंकि परमाणु बम रखा है और सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है, इसी कारण। और चौथा कारण, सभी वीटो सदस्य भारत के पक्ष में नहीं है। मतलब जितने भी वीटो के सदस्य हैं वो उसमें से वीटो के पक्ष में नहीं है, जैसे चाइना पक्ष में नहीं है। और मिलने का कारण के बारे में डिस्कस करते हैं। तो भारत को वीटो मिलने का कारण, अगर मिलेगा भविष्य में ना मिलेगा वो तो भविष्य की बात है, तो अभी देखते हैं, ठीक है। भारत का बजट भले ही कम है किंतु भारत यूएनओ में बड़ी संख्या में दवाई तथा सेना उपलब्ध कराता है। सेना और दवाई जो है वो यूएनओ को बड़ी संख्या में कराता है भारत, भले इसका बजट कम हो। यूएनओ के डिस्कशन आयोग का कहना है कि कश्मीर एक क्षेत्रीय मुद्दा है, ना ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। ये ना अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, अतः यूएनओ को क्षेत्रीय मुद्दे में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये जो कश्मीर का मुद्दा है ये तो क्षेत्रीय विवाद है और ना ही ये अंतर्राष्ट्रीय विवाद है। तीसरा है, भारत भले ही सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है और परमाणु बम रखे है किंतु भारत की नीति यह है कि वह पहले परमाणु बम का प्रयोग नहीं करेगा, ठीक है। वो जो सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है और वो परमाणु बम भारत रखा है और परमाणु बम रखने के कारण और भारत की ये नीति है कि वह पहले परमाणु बम का प्रयोग नहीं करेगा, अतः भारत अपना परमाणु बम सुरक्षा के उद्देश्य रखा है, ना ही किसी को क्षति पहुंचाने के हेतु, वो केवल सुरक्षा के हेतु रखा है। और अगर कोई हमला करता है तो ये भी हमला करेगा भारत, अगर कोई शांति से रहेगा तो शांति से रहेंगे, हम लोगों का यही नीति है। चौथा है, भारत यूएनओ का संस्थापक सदस्य। जब यूएनओ का संस्थापना हुआ था तभी से भारत इसका सदस्य बन गया था क्योंकि भारत 1945 में ही यूएनओ का सदस्य बन गया। जब इसकी संस्थापना हुआ था तभी ही भारत इसका सदस्य बन गया। और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। और छठा है कि भारत किसी भी गुट का सदस्य नहीं है। ये तो भी है कि किसी भी गुट का सदस्य भारत नहीं है। और नॉट में कुछ है, भारत के अस्थाई सदस्य में सबसे बड़ी बाधा चाइना है। वीटो ना मिलने का सबसे बड़ा कारण हम चाइना को दे सकते हैं, ये भी एक है। ये सब तो मामले हैं बट चाइना भी इसका मामला है, एक मुद्दा चाइना भी है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने वीटो के बारे में समझा। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।